आखिरकार हम उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां से वाटरफॉल ओरिजिनेट होता है, जहां से पानी निकलता है। यहां से लगातार पानी निकल रहा है, पांचवा पॉइंट से सबसे ज्यादा पानी निकल रहा है। साइंस को स्वीकार कीजिए पर प्रकृति के शर्त पर नहीं। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर बिहार के फेमस वाटरफॉल की यात्रा में आपका स्वागत है। अभी हम पटना जंक्शन पर हैं और यहां से हम जमुई जाने वाले हैं। जमुई, जिसे जंभिया ग्राम के नाम से जाना जाता था, भगवान महावीर को वहीं पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। वहीं पर गिद्धौर मंदिर है जहाँ पर रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। सिमुलतला हिल स्टेशन भी जमुई में ही है और वहीं पर हरिहर वाटरफॉल जो कि जमुई जिला में पड़ता है, घनघोर जंगलों से होकर जाना पड़ता है, वो आज हम एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। और दोस्तों हमारी जमुई यात्रा में बारिश शुरू हो चुकी है। दोस्तों अब हम पटना जंक्शन से पहुंच चुके हैं जमुई। जमुई रेलवे स्टेशन का नज़ारा मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। चलिए स्टेशन से बाहर निकलते हैं। जमुई में जो टिकट घर है वो बाहर में है। और यहाँ रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलेंगे आपको ऑटो मिलेगा बुधवन तालाब के लिए, और बुधवन तालाब के लिए फिर गिद्धेश्वर तक का ऑटो मिलेगा। दोस्तों पहले बुधवन तालाब चलते हैं, चलिए। और रास्ते में एक बहुत ही सुंदर माता का मंदिर मिलेगा, अब पूरी यात्रा करके आपको अलग से वीडियो इसका दिखाएंगे। दोस्तों अब हम जमुई रेलवे स्टेशन से बुधवन तालाब आ गए हैं और यहाँ से गिद्धेश्वर के लिए ऑटो मिलेगा। 12-13 किलोमीटर पड़ता है, शाम हो गया है, तो अभी ऑटो पकड़ के गिद्धेश्वर चलेंगे और कल सुबह में जो हरिहर वाटरफॉल है, झरना है, वो आपको दिखाएंगे। और यही बुधवन तालाब ऑटो स्टैंड है और यहीं पर आपको ऑटो मिल जाएगा। दोस्तों अब हम जमुई रेलवे स्टेशन से गिद्धेश्वर आ गए हैं और रात हम यहीं पर सोएंगे, यहीं पर खाना वगैरह खा लिए हैं और यहीं पर हम अपना बेड लगाए हैं सोने के लिए। तो यहीं पर ऊपर पहाड़ आप देख रहे हैं, ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, यहीं पर जटायु का पंख गिरा था। अजी, इसके बारे में जो परंपरा है, हाँ। रावण और जटायु वाले, हाँ, रावण और जटायु का युद्ध हुआ यहाँ, हाँ। समझ रहे हैं, हाँ। उसी समय गिद्ध को मुक्ति दिए रामचंद्र जी, हाँ। और ये शिवलिंग का स्थापना किया हुआ उन्हीं का है। अच्छा, राम जी के द्वारा किया गया, हाँ। और यही गिद्धेश्वर मंदिर शिव मंदिर है यहाँ पर। और यही गिद्धेश्वर मंदिर के बगल से जो रोड गया है, इसी रोड से हरिहर वाटरफॉल जाने के लिए आपको आगे बढ़ना है। गिद्धेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर आगे पुल से राइट टर्न आपको लेना है। ये पूरा रास्ता बना हुआ है वाटरफॉल तक पहुंचने का। सामने पुल आपको नजर आ रहा होगा जहां से हमने यात्रा शुरू की थी, और जैसे पुल से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, पुल से पहले राइट साइड, तो यहाँ पर एक पक्की सड़क आएगा और इसी पक्की सड़क से आपको आगे बढ़ना है। और रास्ते में एक गांव पड़ेगा, टिटहिया गांव। इसी टिटहिया गांव से हमने कुछ मिक्सचर खरीद लिए हैं, पता नहीं रास्ते भर में मिले या ना मिले। यहाँ पर आपको इस रास्ते पे नहीं जाना है बल्कि राइट साइड वाले रोड पकड़ना है। और यहाँ से दो रास्ता गया है, एक लेफ्ट साइड बिल्कुल नया वाला रोड आपको नज़र आएगा, पर आपको इधर से नहीं जाना, इधर से दूर पड़ेगा। जल झरना, पांच भूर, इधर से पुराना वाला जो रोड है, इधर से आपको आगे जाना है।
पांचभूर वाटरफॉल जाने के लिए अभी हम तारा ताड़ गांव से होकर गुजर रहे हैं और यहां के गांव वाले भी मिल गए हैं। तो ये हमें भाई साहब पूरा जो वाटरफॉल जहां से उद्गम होता है जिसे पंचवटी कहा जाता है ना, पंचवटी जहां पर भगवान राम आए थे उस जगह पर आज हम आपको ले जाने वाले हैं। तो आज जो हम वाटरफॉल एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाले हैं किसी ने नहीं दिखाया होगा, पहली बार जमुई का वाटरफॉल का सबसे ऊपर का नजारा आपको दिखाने वाले हैं। और ये देखिए बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे पगडंडियों से होते हुए तो यहाँ पर आपको पकौड़ा और ब्रेड का दुकान मिलेगा, गर्मा गर्म ब्रेड चाप और पकौड़ा। वाह क्या नजारा है, वो क्या दृश्य है। जय श्री राम। और ये देखिए तीसरा कुंड और वाटरफॉल, इसमें पानी ज्यादा है। वाह चलिए आप इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर वाला जो कुंड है ऊपर वाला झरना है आपको दिखाते हैं। अब बड़े बड़े यहाँ पर चट्टान आपको नजर आएंगे जब ऊपर आप यात्रा करेंगे। वो ये देखिए मीन वाला झरना। जहां से पानी गिरता है यानी वाटरफॉल का ओरिजिनेशन ऊपर पहाड़ पर है, कई किलोमीटर तक ऊपर जाना पड़ता है, वहां तक कोई नहीं गया था, आज वहां हम जाने वाले हैं। और बहुत हालत खराब हो गया है पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। और ये देखिए ऊपर का नजारा, ऊपर तो जंगल ही है, पानी तो गायब हो गया, नदी भी गायब हो गया, कहीं भटक तो नहीं गए। और दोस्तों अब हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं और यहाँ पर एक नदी है और पानी की एक बूंद भी नहीं है नदी में। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जब नदी में पानी नहीं है तो झरना में उतना पानी कहाँ से गिर रहा है, उसी रहस्य को आज हम जानेंगे दोस्तों। और दोस्तों आखिरकार हम पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते हुए उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से पानी निकलता है, वाटरफॉल का उद्गम होता है। अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, बड़ा ही अद्भुत आपको लगेगा। और उसके पहले हम आपको दिखाते हैं, यहां पर एक छोटा सा मंदिर है, शिवलिंग है खुले में, घनघोर जंगल है यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर में आपको पानी की एक बूंद भी कहीं नजर नहीं आएगी। तो आखिर कहाँ से पानी निकलता है चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार हम उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां से वाटरफॉल ओरिजिनेट होता है, जहां से पानी निकलता है। बड़ा अद्भुत जगह आपको दिखाने वाले हैं, बड़ी मेहनत किया है इस चीज़ को दिखाने के लिए। और इसको पंचवटी वाटरफॉल भी कहा जाता है, हरिहर वाटरफॉल भी कहा जाता है, पांचभूर वाटरफॉल भी कहा जाता है। पांचभूर वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पाँच पॉइंट है, पाँच जगह से पानी निकलता है। देखिए कितना प्रकृति का कितना अद्भुत करिश्मा है, कितना बड़ा आश्चर्य अभी आप देखेंगे। एक पॉइंट ए है, देखिए यहां से पानी निकल रहा है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ए है, यहां से लगातार पानी निकल रहा है। और तीसरा पॉइंट ए है, यहां से पानी निकल रहा है। और चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट यहां पर है, यहां पर
यहाँ से पानी निकल रहा है और ये पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट से सबसे ज्यादा पानी निकल रहा है, देख रहे हैं लगातार पानी आ रहा होगा। बताइए कि पांच भूर वाटरफॉल क्यों कहा जाता है? यहाँ पांच गो छेद से पानी निकल रहा है, अच्छा, इसलिए इनको पंचभूर कहा जा रहा है। हाँ। पहले लोग पंचवटी कहता था, वो पंचभूर बोला जा रहा है। पांच होल से यहाँ पर पानी निकल रहा है और यहाँ पानी थोड़ा सा छोटा सा कुंड बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पानी पूरा फोर्स के साथ आगे जा रहा है और आपको आवाज भी आ रहा होगा, लेकिन आगे जाना बड़ा मुश्किल है। प्रकृति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति सुपरियर ऑफ ऑल, और प्रकृति से ही सारे ओरिजिनेट होते हैं, चाहे वनस्पति हो, चाहे छोटे जीव हो, बड़े जीव हो, मनुष्य हो, और प्रकृति कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति के लिए सब बराबर है, हम भेदभाव क्यों करें? हमको प्रकृति के अनुसार जीवन जीना है। हमारे जीवन को आर्टिफिशियल मत बनाइए, अपने जीवन को वैज्ञानिकता को स्वीकार कीजिए, साइंस को स्वीकार कीजिए, पर प्रकृति के शर्त पर नहीं। प्रकृति को अपने जीवन में हमेशा आगे रखिए और प्रकृति के लाइन में जीने का प्रयास कीजिए। कैसे आप प्रकृति की लाइन में जिएंगे? जब आप प्रकृति में जितने भी घटक हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु हैं, उनका नुकसान नहीं करेंगे। पेड़ नहीं काटेंगे तो हवा शुद्ध रहेगा, आप जीव जंतुओं को नहीं काटेंगे तो प्रकृति के लिए, प्रकृति के हेल्थ के लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि प्रकृति में हमेशा बैलेंस बना रहता है। आप किसी भी जीव को मारने वाले कौन होते हैं? आपको मारने का अधिकार किसने दिया? अपने अपने जीव के स्वाद के लिए, अपने उदर की पूर्ति के लिए उस किसी जीव को मार देते हैं और उस मांस में मसाला लगा लगा कर भूंज भूंज कर स्वाद ले लेकर खाते हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। प्रकृति ऐसा नहीं चाहती, प्रकृति नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। इसीलिए आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हो रही है तो आपको प्रकृति का दुष्परिणाम आपके कुकर्मों की वजह से भोगना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं आदमी कैसे मर रहा है, एक्सीडेंट करके कुचा पिटा पिटा पिसा के मर जा रहा है। आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये आपके दुष्कर्मों का, आपके कुकर्मों का दुष्परिणाम है। क्योंकि आप समझते हैं कि आप सुपरियर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को भी मार सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं, सबको मारने का आपको लाइसेंस मिल गया है। तो इस बात पर ध्यान रखिए, ये जो बात हम कह रहे हैं हृदय की गहराई की आवाज से है, और कोई भी दुनिया का कोई भी साइंस कोई भी विज्ञान इसको डिनाई नहीं कर सकता। जीव हत्या को कभी भी वैलिडिटी नहीं दे सकता, वैलिड नहीं कर सकता। कोई भी बड़ा डॉक्टर, कोई भी विज्ञान इसको डिनाई नहीं कर सकता। ये सत्य है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म का हो, अगर वो किसी जीव की हत्या करता है तो बहुत बड़ा अपराध करता है। कोई भी अल्लाह किसी भी जीव की हत्या से खुश नहीं हो सकता। कोई भी भगवान, कोई हिंदू का भगवान हो, ईसाई हो, या फिर जैन का भगवान हो, किसी भी भगवान अल्लाह हो, वो किसी भी जीव की हत्या से खुश नहीं हो सकता। वो नहीं चाहता कि किसी जीव की हत्या हो। आप क्यों करते हैं ऐसा? अल्लाह के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर, कभी देवी देवता के नाम पर, इसको बंद कीजिए। यही आपसे प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज हमने जमुई वाटरफॉल की यात्रा की, हरिहर वाटरफॉल, पंचवटी पंचभूर वाटरफॉल की यात्रा की। बहुत मेहनत किया इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए और उस जगह तक पहुँचने के लिए जो वाटरफॉल का ओरिजिनेशन है, घने जंगलों से होकर के। आप हमारे इस मेहनत को, कठिन यात्रा को अप्रिसिएट जरूर कीजिएगा। वो अप्रिसिएशन कैसे होगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आज आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।